पंजाबी प्रावा ते पैणा नो सत श्री अकाल। अते वसाखी दिया बहुत बहुत मुबारक। केम छो? हम लोग जब छोटे थे तो सिनेमा का एक गीत सुना करते थे, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उस समय एक पीड़ा थी, व्यथा की बात थी उस गीत में। मैं आज उस गीत को नए रूप में देख रहा हूं कि इंसान बदला है। उस समय पीड़ा थी, कितना बदल गया इंसान, और मैं आज गर्व से कहता हूं कितना अच्छा बन गया इंसान। भारत के राष्ट्रध्वज में चार रंग है। हम बोलते हैं तिरंगा, रंग चार है, लेकिन वो हमारी विशेषता है। चतुर्रंगी क्रांति का सपना देख रहा हूं। सेफ्रॉन कलर ये ऊर्जा का रंग है, एनर्जी का रंग है। सूर्य का सात घोड़ों का रथ देखते तो सेफ्रॉन कलर का दिखाई देता है। ये ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास से बनने वाली एनर्जी, एनर्जी सेविंग, इन सारे विषयों को एक साथ चलाया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, एक साल पहले जो सरकार थी उस समय 2012-13 के कालखंड में एलईडी का बल्ब सरकार 350 रुपये में लेती थी। 350 कितना? 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 ये सरकार 85 रुपये में लेती है। ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? ईमानदारी आई कि नहीं आई? ईमानदारी से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया, और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे मन में अलग अलग कल्पना है। एक तो हम अभी से दुनिया का मैपिंग करके जिसको जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी इसका हम अनुमान लगा सकता है, उस प्रकार का वर्कफोर्स अभी से तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन। और स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में आज जिसके पास बढ़िया से बढ़िया स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं योजनाएं हैं उन सबको मैं भारत में लाना चाहता हूं। भारत के पास टैलेंट है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हमारी टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है भारत ने अभी मंगलयान भेजा, मार्स पर हम गए, और छोटे छोटी जगह पर वो मार्स के जाने वाले सारे पुर्जे तैयार हुए। हिंदुस्तान के 5-6 राज्यों में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के एक 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 पुर्जा बना। और हमारे साइंटिस्ट जो हैं, नौजवान हैं, उनकी टैलेंट देखिए, उन्होंने पहुंचा दिया मंगलयान। और दुनिया में हम पहला देश हैं जो पहले ही ट्रायल में सफल हो गए। और मंगलयान में हमारी टैलेंट के कमाल देखिए, हॉलीवुड की फिल्म का जितना खर्चा होता है ना, उससे कम खर्चे में मंगलयान पहुंच गया।
आप अगर दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, हैदराबाद में, बेंगलोर में ऑटो रिक्शा में अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर का करीब 10 रुपया खर्चा आता है। हम मंगलायन की हमारा खर्चा सिर्फ 7 रुपया किलोमीटर आया। आप कभी सचिन तेंदुलकर जी की वेबसाइट पर जाओगे तो उन्होंने अपना एक वीडियो रखा है। उन्होंने मुंबई में एक फुटपाथ तय की, रोज सुबह 4 बजे जाते थे अपने यार दोस्तों को लेकर के, महीने भर गए और पूरी उसकी सफाई करके उसको बढ़िया सा पार्क में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने लोग आके बैठते, सरकार ने नहीं किया, नागरिक कर रहे। मैंने गरीब को कहा था कि तुम्हें बैंक में पैसे डालने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में खाता खोल देंगे, लेकिन गरीब की अमीरी भी तो कुछ चीज होती है। गरीब की अमीरी की भी अपनी एक ताकत होती है और मैं आज गर्व से कहता हूं और उन गरीबों के सामने मेरा सर झुका करके उनका अभिनंदन करता हूं, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। मेरे नौजवान साथियों, भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। हिंदुस्तान नौजवान है जहां पर 80 करोड़ नौजवान जिस देश के पास हो, 160 करोड़ मजबूत भुजाएं हो, 80 करोड़ सपने हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दुनिया भर से रिएक्टर मांगते थे, हर कोई देश हाथ ऊपर कर देता था, बात चलती थी, 2-4 साल बात चलती थी, फिर बात ऊपर हो जाती थी। बहुत लंबे अरसे से विषय पेंडिंग था, कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं बॉम्ब न बना दे, और जो बनाते हैं उनको कोई रोकता नहीं। रोक पाते भी नहीं। और जो गांधी का देश है, जिसने कभी दुनिया में किसी पर आक्रमण नहीं किया है, कई वर्ष हो गए एक रिएक्टर के लिए भटकना पड़ रहा था। इस बार हमने फ्रांस के अंदर एक कंपनी के साथ भारत की कंपनी का एमओयू हुआ है, और मेरे लिए खुशी की बात है, सबसे बड़ा काम होने वाला है, अब वो रिएक्टर भारत में बनेगा। एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, 400 रुपये की सब्सिडी, बोलो हमारे जेब में दम है तो हमने क्यों लेनी चाहिए। गरीब लेने, गरीब को मिलनी भी चाहिए, लेकिन जिसके पास संभावना है वो क्यों ले। और सब्सिडी से पका हुआ खाना खाना शोभा देता है क्या। बदला हुआ जनमन ने क्या किया, करीब 4 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, और हिंदुस्तान में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भारत का जो पूर्वी हिंदुस्तान है, जिसकी हर बार चर्चा होती है तो गरीबी के नाम पर होती है, वो सबसे समृद्ध बन सकता है। और इसलिए हमारा फोकस है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और स्पेशल फोकस है ये हिंदुस्तान की पूर्वी काले इलाके में, वहां के किसान और गांव की जिंदगी को बदलना है।
पहली बार हमने प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग बनाया है और नीति आयोग में एक पैराग्राफ प्रवासी भारतीयों को भी एक शक्ति के रूप में माना गया है। ब्लू क्रांति करनी है और ब्लू रिवॉल्यूशन जब मैं कहता हूं तब एक नीला आसमान। क्लीन नीला आसमान, पर्यावरण के संकटों से मुक्त नीला आसमान। नीला आसमान भी चाहिए, वो भी रिवॉल्यूशन करना है और समुद्रिक शक्ति का भी रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेरे मछुआरे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। समंदर के अंदर प्राकृतिक संपदा पड़ी है, गैस और पेट्रोलियम के भंडार पड़े हैं। ये प्राकृतिक संपदा का सर्वाधिक उपयोग मानव जात के लिए कैसे हो, ब्लू रिवॉल्यूशन करना। ओसीआई और पीआईओ, मैंने जब मेडिसन स्क्वायर पे बोल रहा था, मैंने वादा किया था इन दोनों को मर्ज कर देंगे, वो काम पूरा कर दिया है। और हर किसी को पीआईओ कार्ड हो, वो ओसीआई की तरह ही उसको सारी सुविधाएं दी जाएगी। हम यमन में जनवरी महीने से कह रहे थे कि भाई निकलो निकलो निकलो, नहीं निकले। आखिरकार हमें अभी निकालना पड़ा, 4000 लोगों को मुश्किल से लेके आए। पिछले 10 महीने में वेस्ट एशिया में जो मुसीबतें आई हैं उसके कारण करीब 17,000 भारतीयों को सुरक्षित बचा करके वापस लाने का काम किया है। और देशवासियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। इंसान की तबीयत के लिए जैसे हेल्थ कार्ड होता है, वैसे धरती माता की तबीयत के लिए भी हेल्थ कार्ड होता है। कहीं हमारी पृथ्वी माँ बीमार तो नहीं है? हमारी पृथ्वी माँ को जो खाना चाहिए वो नहीं खिलाते, कुछ और खिला दिया, ऐसा तो नहीं किया? इस माँ को कैसे बचाएं? और इसलिए हमने अभियान उठाया है, धरती माँ की रक्षा करने का सॉइल हेल्थ कार्ड का मिशन चलाया है। और मैं आज गर्व से कहता हूं कि कनाडा वो देश है जो 2003 से गुजरात का पार्टनर कंट्री बना। एक डेवलप कंट्री के लिए किसी देश के एक छोटे से राज्य के साथ पार्टनर कंट्री बनना, ये निर्णय छोटा नहीं होता है, लेकिन कनाडा ने वो निर्णय किया और अब तक निभाया है। मैं इसके लिए कनाडा का बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम है आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी आपको भी वीजा लेने में तकलीफ पड़ती है ना। अब हमने तय किया है 10 साल के लिए देंगे। अगर जनमन बदला है तो भरोसा भी बढ़ना चाहिए, और भरोसे से दुनिया चलती है मेरे यारों, और उसको लेकर के हम चलने वाले हैं और हम चल रहे हैं।